टोडे विल टॉक अबाउट द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट हम लोगों ने बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में पढ़ा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के बारे में पढ़ लिया है अब हम लोग कार्सिनोमा दैट इज कैंसर ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन मेलेगनेंसी जो है फीमेल्स की ग्लोबली हम बोलते हैं कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट ही है लेकिन सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी मतलब डैथ uh, रेट तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर मोटालिटी का इन फीमेल दैट इज ब्रेस्ट जो फर्स्ट है दैट इज लंग देन अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखें सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज का और जेंडर का जेंडर मीन्स फीमेल्स में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है मेल्स में रेयरली ये हमें दिखता है एज जो है ज़्यादातर एल्डर फीमेल्स को होता है दैट इज़ मोर देन फिफ्टी ईयर्स को सेवेंटी फाइव परसेंट केसेज में मोर देन फिफ्टी गर्ल्स को होता है और यंग फीमेल्स को होता है फाइव परसेंट लेस देन फाइव परसेंट होता है यंग फीमेल्स को वन परसेंट होता है मैन को मतलब मैन का तो बहुत ही रेयर है तो एज और जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है ठीक है अब ई आर पॉजिटिव लिखा है मैंने यहाँ पे ई आर नेगेटिव लिखा है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ई ER आर की फुल फॉर्म होती है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर तो ईस्टोजन रिसेप्टर पॉजिटिव तो नेक्स्ट नेक्स्ट uh, आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री में किसी को है कोई भी फैमिली मेंबर है जो कि फर्स्ट फैमिली मेंबर है कोई सिस्टर है मदर इन तीनों में से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं विद ब्रेस्ट कैंसर किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है उसमें किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो ये इसका रिस्क बढ़ जाता है थर्ड इज आनाइजिंग रेडिएशन ऑब्वियसली हमें पता है कि रेडिएशन से कैंसर uh, का खतरा हो जाता है बाय बिक ऑफ है mutations mutations ho jati hain because of the ionizing radiation then kayon uh, ko early menarche hota hai early menarche jaldi shuru ho gaya 11 years se pehle hi shuru ho gaya ya 11 years ke time pe ho gaya to that is early menarche matlab मतलब menstruation ka uh, start hona then its absence of breastfeeding अगर हमने क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है ब्रेस्ट फीड करवाना ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएगी तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इसका जो रिस्क है कार्सिनोमा होने का डिक्रीज हो जाता है इफ़ द फीमेल इज़ फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर वन टू टू इयर्स एटली वन टू टू इयर्स तक अगर वो करे तो उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है ओबेसिटी ओबेसिटी में हो जाता है नेक्स्ट क्यों क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ओबेसिटी से इस फैट एंड फैट जो है एडिपोजट टिश्यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है और ईस्ट्रोजन हमें पता है कि ईस्ट्रोजन जो है वो हमें अभी नहीं पता पर इस्ट्रोजन ई आर पॉजिटिव जो होते हैं उसमें कार्सिनोमा होता है ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है दैट इज़ ओल्डर एज ओल्डर एज में होता है राइट जोग्राफिक कंडीशंस में uh, के वजह से भी होता है रेस की वजह से भी रेस जो है मतलब कि uh, जो यूरोपियन डिसेंट से फीमेल्स uh, हैं उनको ज़्यादा प्रेवलेंट होता है बिकॉज उन, uh, उनकी जो हैबिट्स हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें uh, उसमें ज़्यादातर इसका चांस होता है कार्सिनोमा होने का वहाँ पर प्रेगनेंसीज कम होती हैं नंबर ऑफ मान हो गया ज़्यादा से ज़्यादा एक हो गया बच्चा या फिर ब्रेस्ट फीड जो है वो नहीं करवाते कर ठीक है तो वो वाली जो चीज़ें हैं उससे फ़र्क पड़ता है और जोग्राफिक से कैसे फर्क पड़ता है कि यहाँ का यहाँ का कोई वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाके वो शिफ्ट हो जाए तो वहाँ पे उनको भी हो जाता है क्यों हालांकि रेस तो उनकी हम यही वाली है लेकिन क्यों जोग्राफिक कंडीशन से वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर यूरोपियन कंट्रीज में जाकर क्यों अफ, अफेक्ट होता है बिकॉज वो लोग भी उस लाइफ में हैबिचल हो जाते हैं और फिर वही चीज़ें कार्सिनोमा का रेस बढ़ जाता है अब जो है मेमोग्राफी करते हैं मेमोग्राफी uh, से हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं ठीक है मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग होती है उसे मेमो का मतलब होता है ब्रेस्ट ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करवाते हैं तो उससे कार्सिनोमा होने का चांस डिक्रीज हो गया है क्योंकि उससे हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कहा, कौन से ट्यूमर बन रहे हैं ठीक है थीके? या फिर ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया हम लोगों ने ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया उसमें बिनाइन कंडीशन में किया था कि ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए तो ए टिपिकल हाइपर हाइपरप्लेजिया हो गया कोई तो फिर उससे कार्सिनोमा होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ओके सो दीज इज दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी हैं एक तो कार, इस कार्सिनोमा के ठीक है और अगर हम देखें तो 95 परसेंट से ज़्यादा जो कार्सिनोम होते हैं दे आर एडनो कार्सिनोमा एडनो का मतलब क्या होता है ग्लैंड तो ग्लैंड वाले जो ग्लैंडुलर टिश्यू का जो होता है बिकॉज uh, इसमें एडिपोज टिश्यू भी होता है ना तो ग्लैंड वाला जो कार्सिनोमा होता है दैट इज 95 परसेंट से ज्यादा कार्सिनोमा एडिनो कार्सिनोमा है ठीक है